हाय एवरीवन, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन में जो मेडिकल प्रैक्टिसेस की जा रही हैं वो है एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक। एलोपैथिक को हम यहाँ पर मॉडर्न एविडेंस बेस्ड मेडिसिन भी बुलाते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम एलोपैथिक को यहाँ पर मॉडर्न मेडिसिन के नाम से बुलाएंगे। तो इंडिया में मॉडर्न मेडिसिन, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक, ये तीन मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं जो की जा रही हैं, और भी काफ़ी सारी हैं जिसमें आयुष के अंडर वो आती हैं, लेकिन हम इन तीनों के बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं कि इन तीनों में से कौन सी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी है, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और किस बीमारी में हमें कौन सी प्रैक्टिस के लिए जाना चाहिए। काफी बार हमारे साथ भी ऐसा होता होगा कि हमें कोई डिसीज आती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम किडनी स्टोन्स की बात करें तो यहाँ पर होम्योपैथिक ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक। काफी बार हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स भी यूज करते हैं। एलोपैथिक के अंदर इसके लिए कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है जो कि किडनी स्टोन्स को डिजोल्व कर पाए, लेकिन वो सिम्टम्स के ऊपर आपको यहाँ पर काफी सारी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। लेकिन वहीं पर होम्योपैथिक के अंदर प्रॉपर मेडिसिन अवेलेबल हैं जो किडनी स्टोन्स को डिजोल्व कर सकते हैं। आयुर्वेदिक के अंदर भी काफी सारे इसके मेडिसिन और ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन अगर हम ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करें, जल्दी कौन सा ट्रीट करेगा, वो एलोपैथी यहाँ पर पॉइंट ले जाती है। अगर आपको कोई भी बीमारी होती है, अगर आपको मान लीजिए कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें आप अगर एंटीबायोटिक्स खा रहे हो, आप उसके पास मॉडर्न मेडिसिन के पास आप जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको एक या दो दिन में वो मेडिसिन ठीक कर देंगे, वो सिम्टम्स को ठीक कर देंगे, क्या पता आपको दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हो तो आपको काफी टाइम लग जाएगा उस एक छोटी सी बीमारी को ठीक होने में। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक की तरफ जाते हो तो वो डिसीज वो भी ठीक कर देंगे, लेकिन उनको काफी टाइम लगेगा, लेकिन वो उसे जड़ से खत्म कर देंगे, आपको दोबारा जो बीमारी होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे एज कम्पेयर टू मॉडर्न मेडिसिन। और इसके यहाँ पर होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं। अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पर साइड इफेक्ट्स भी काफी सारे में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर पंकज अग्रवाल जो कि सीनियर होम्योपैथी फिजिशियन है, उनका कहना है कि होम्योपैथी बेस्ट है अगर आप सेफ और साउंड ट्रीटमेंट चाहते हो बिना किसी साइड इफेक्ट के। जैसे कि हमें पता है एलोपैथी या फिर मॉडर्न मेडिसिन वो ट्रीट तो कर देती हैं, लेकिन वो सिम्टम्स के बेसिस पे करते हैं, और सिम्टम्स आपको नहीं होंगे लेकिन जो बीमारी है वो वायरस है, वो बैक्टीरिया है, वो भी आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेगा और काफी टाइम बाद वो दोबारा एक्टिवेट हो सकता है। जबकि होम्योपैथिक के अंदर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं जो कि काम करता है डिसीज को किल करने में, चाहे वो वायरस की बात करें चाहे हम बैक्टीरिया की बात करें। और वहीं पर अगर हम आयुर्वेदा की बात करें, आयुर्वेदा इन दोनों से थोड़ा सा अलग है। आयुर्वेदा में हम तीन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, तीन चीजों को हम बोलते हैं त्रिदोष, वत, पित्त और कफ। पहला यहाँ पर हम बात करते हैं विंड से रिलेटेड, हवा से रिलेटेड, एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं उसके बेसिस पे काम हो रहा है। सेकंड बात करते हैं बाइल से रिलेटेड, और थर्ड हम बात करते हैं यहाँ पर जो म्यूकस जो बलगम होती है उसको हम ठीक करते हैं। इन चीजों से रिलेटेड सारी डिसीज को हम ट्रीट कर सकते हैं आयुर्वेदा के अंदर। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के अंदर हम नेचुरल हीलिंग के ऊपर बात करते हैं, इम्यूनिटी के ऊपर बात करते हैं कि हम इम्यूनिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपनी। आयुर्वेदिक के अंदर हम बात कर रहे हैं बिना किसी केमिकल्स के हम कैसे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अब अगर हम कोई केमिकल इंटेक नहीं कर रहे हैं उसके साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, लेकिन हमारे को बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी के अंदर है किसी भी बैक्टीरिया के खिलाफ, किसी भी वायरस के खिलाफ, कुछ टाइम लेती है उसे पूरा किल करने में। तो यहाँ पर टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आपका जो ट्रीटमेंट है वो काफी सेफ होगा। अब हमें ये तो समझ आ गया कि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक इनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है या फिर ना मात्र हैं, लेकिन अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक को एक एडवांटेज मिल जाती है ओवर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ओवर मॉडर्न मेडिसिन। तो चलिए अब कंपेयर करते हैं आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में क्या डिफरेंस है। आयुर्वेदा का ओरिजिन इंडिया में से हुआ है, लगभग 3500 साल पहले आयुर्वेदा की जो प्रैक्टिसेस थी वो इंडिया के अंदर शुरू हो गई थी। उसमें हम बात करते हैं काफी सारी थेरेपीज की, पंचकर्म थेरेपी काफी फेमस है, योगा के बारे में हम काफी बात करते हैं आयुर्वेदिक के अंदर। इसमें हम हर्ब्स, वेजिटेबल्स और काफी सारे मिनरल्स को कंबाइन करके मिक्सचर्स के फॉर्म में यूज करते हैं किसी भी डिसीज को क्योर करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उनको कॉम्प्लीमेंट्री यूज कर सकते हो एलोपैथिक मेडिसिन के साथ। लेकिन अगर हम होम्योपैथिक की बात करें तो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है मॉडर्न मेडिसिन के। वो कहते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन काफी सारे साइड इफेक्ट शो करती है, काफी ज्यादा इसके नुकसान हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। और होम्योपैथिक अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ये जर्मनी से ओरिजिनेट हुआ है। होम्योपैथिक शुरू हुई थी 18th सेंचुरी के अंदर, जिस समय में सैमुअल ने स्टार्ट की थी होम्योपैथी, वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे एलोपैथी से, वो तंग आ चुके थे क्योंकि उस समय मॉडर्न मेडिसिन को हम एलोपैथी ही बुला रहे थे, और एलोपैथी के अंदर आपको छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी आपके काफी सारा आपको नुकसान हो जाता था, काफी आपका ब्लड रिलीज हो जाता था, काफी ऐसी प्रैक्टिसेस की जाती थी जिसके लॉन्ग टर्म में काफी साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे थे। तब उस समय सैमुअल ने 18th सेंचुरी में होम्योपैथिक की शुरुआत। अब होम्योपैथिक अलग कैसे है मॉडर्न मेडिसिन से, इसे थोड़ा सा समझते हैं। होम्योपैथिक के अंदर हम मेडिसिन को डाइल्यूट करते हैं डिस्टिल्ड वाटर में या फिर अल्कोहल के अंदर। होम्योपैथिक के अंदर माना जाता है कि लाइक क्योर्स लाइक। अब अगर आपको कोई डिसीज आपके अंदर है तो होम्योपैथिक के अंदर तो उस वायरस को डाइल्यूट फॉर्म के अंदर हम अल्कोहल के अंदर मिलाकर आपको पिलाएंगे, जिसकी मदद से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इवोक हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा और वो फाइट करेगा उस डिसीज के साथ, जिसके अंदर आपके जो वायरस और बैक्टीरिया है वो किल हो जाएंगे। और जैसे कि हमने साइंस में ही पढ़ा है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम एक बार किसी वायरस या एक बार बैक्टीरिया को किल कर दे तो एंटीबॉडीज अपनी बिल्ड कर लेता है इम्यून सिस्टम,
ताकि अगर दोबारा वो अटैक करेगा वायरस और बैक्टीरिया कभी भी बॉडी के अंदर, तुम्हारा इम्यून सिस्टम उसी समय उसको किल कर सकता है। तो होम्योपैथी काफी अच्छा तरीका है साइंटिफिकली किसी भी डिसीज को क्योर करने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम आयुर्वेदा और होम्योपैथी के अंदर भी है जो कि मॉडर्न मेडिसिन में नहीं है। हम एक ऐसी सिचुएशन मानते हैं जिसके अंदर आपको एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत, अब उस समय में आप मॉडर्न मेडिसिन के पास जाओगे, होम्योपैथी के पास जाओगे या फिर आयुर्वेदिक के पास जाओगे। 99% लोग कहेंगे कि हम मॉडर्न मेडिसिन के पास ही जाएंगे, एलोपैथी की तरफ ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के अंदर जो टाइम ड्यूरेशन है किसी भी बीमारी को ठीक होने में वो काफी ज्यादा है मॉडर्न मेडिसिन के मुकाबले। इतना हमें क्लियर है कि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के अंदर हम इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर नहीं जा सकते। स्टैट्स के अकॉर्डिंग मॉडर्न मेडिसिन को हम यूज करते हैं 80% केसेस के अंदर, क्योंकि लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स के अंदर मॉडर्न मेडिसिन काफी इफेक्टिव तरीका है किसी भी डिसीज को किल करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ आपके कुछ साइड इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपकी जो ट्रीटमेंट है वो काफी सक्सेसफुल रहती है। साइड इफेक्ट्स का मतलब ये है कि जैसे आपको डायबिटीज हो जाता है और आप अगर मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू आप अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म में ये देखा जा सकता है कि 90% लोगों के अंदर बीपी की प्रॉब्लम आ जाती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आती है, आपका ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब ये सब केसेस के अंदर नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर काफी सारे ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर। लेकिन होम्योपैथी के अंदर आपको यहाँ पर पेशेंस से होगा, अगर आपको अपना ट्रीटमेंट करवाना है होम्योपैथिकली तो आपको यहाँ पर काफी टाइम देना होगा, तब जाके वो ठीक होगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो नेचुरली काम कर रही है एक बैक्टीरिया एक वायरस को किल करने के लिए। जैसे कि हमें पता है 2014 के अंदर आयुष फॉर्म हुआ था। आयुष की फुल फॉर्म है ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। ये सारी वो मेडिकल प्रैक्टिस है जो कि इंडिया के अंदर हो रही हैं और काफी इफेक्टिव हैं। इनके अपने काफी सारे एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। और आयुष से अलग है मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन को हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन भी कहते हैं। लेकिन अब है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन तीनों में से कौन सी मेडिकल प्रैक्टिस सबसे अच्छी है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्पेसिफिक डिसीज के ऊपर ही मिल सकता है। कुछ ऐसी डिसीज होंगी जहां पर आपकी मॉडर्न मेडिसिन सक्सेसफुल है, कुछ ऐसी डिसीज होंगी जिसके लिए आपके लिए होम्योपैथिक बेस्ट है, और कुछ ऐसे डिसीज भी होंगे जिसके लिए आपको आयुर्वेदिक ही सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होने वाला है। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी डिसीज है और आपकी सिचुएशन क्या है। इमरजेंसी कंडीशन के अंदर मॉडर्न मेडिसिन अच्छी है, और अगर इमरजेंसी कंडीशन नहीं है तो आपके लिए होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक भी अच्छी है। साइड इफेक्ट अगर आप नहीं चाहते तो आपके लिए आयुर्वेदिक होम्योपैथिक अच्छी है। अगर आपको चाहिए कि जल्दी ठीक हो जाऊं लेकिन साइड इफेक्ट चलेंगे तो मॉडर्न मेडिसिन की तरफ आप जा सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि होम्योपैथिक अच्छी है, आयुर्वेदिक अच्छी है या फिर एक मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस अच्छी है। उम्मीद है आपको काफी नॉलेज मिली होगी आयुर्वेदिक के ऊपर, होम्योपैथिक के ऊपर और मॉडर्न मेडिसिन के बारे में। इस वीडियो में इतने, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लर्निंग मिली तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी की फील्ड में, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।